जी वजीफा माशाल्लाह तो मैं बड़ा ही शानदार देन लगा चूंकि बड़ा तरीक साज खुतबा है। इस वजीफे की बरकत ना इनू पढ़ना, वैसे तुम चलदियाँ फिरदियाँ बहने उठना कसरत ना। पिछले जुमे मैं तुम दसिया मरकज इब्न खिताब च याद जे सुभान अल्लाह बाबे हमदे ही अल्लाह माफिल सारे बोलो इन्नी उची बोलो सबक सुनाओ मैनू के ये पांच चार मिनट मदरसा बन जान ते जेड़े आई नहीं सड़ना उन्होंने भी याद हो जान। मैं वजीफा दसिया सी रिज़क ते औलाद वास्ते सुबहान अल्लाह व बिहम्दे ही अल्लाहुम्मा फिर ली एक दफा सुनाओ फिर सुनाओ फिर सुनाओ इंज दे जलसे करो इंज दियां कॉन्फ्रेंसा कढ़ो उलमा बुलाओ उलमा अपने हथी अपना बेड़ा गर्क ना करो दीन के नाँ ते पैसे ला के मुखालफत करो जड़ा हसांदा है जड़ा जुगतां मारदा जड़ा मस्जिदियां हुरमतां पमाल करदा है। बच जाओ इस नारेबाजी तो इन्हां फुल्लां तो ऐ दुनिया दियां दिखावियां तो बच जाओ संजीदा बनो। लो जी ये तो औलाद ते रिज़क वास्ते सी ए जड़ा वजीफा है वो जिवें आंदे ने ना जी कि आ जड़ा डाक्टर है ना इहदे को हर किस्म की दवाई लभ जांदी है सरदार वजीफा है ये सारिया लोड़ा थोड़ा पूरी हो जाणियां ने। नौजवान तवज्जो रखना बुजुर्ग तवज्जो रखना और मैं आ कुरान हाथ च फड़िया ताडे यकीन लई फड़िया माशाल्लाह तबारक अल्लाह यह जिहड़ा तुहानू वजीफा देण लगा मैं पूरे दीन च इहदे नाल शायद बहुत ही फजीलत वाला वजीफा पढ़िया ही नहीं सब नालों बड़ा फजीलत वाला पढ़ो हाँ चार दिन चलते फिरते बहिंदे उठते जरा पढ़ो हाँ चार दिन तो नाल इन्हां दीन दे शेरां ते मोढे ते हथ रखो हाँ चार दिन पता की पढ़ना लो जी तवज्जो ना पहले सुनियो बोलना नहीं किसी ने तवज्जो ना सुबहान अल्लाह वलहमदुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर चार कलमे फरमाया नबी पाक ने कुरान च ने ते कुरान चो भी सब नालों पकीजा कलमे ने जेड़ा ये चार कलमे पढ़ता अल्लाह दुनिया आखरत दे सारे खजाने अता कर देता है। सुबहान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु की माने सुबहान अल्लाह अल्लाह तेरी जात भी पाक सारे बोलो अल्लाह तेरी जात भी इंज नहीं तेरी जात भी तेरी बात भी तेरा फैसला भी तेरी शरीयत भी अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह जिस हाल च रखे है नहीं ना पुत्र दिता बेटा बैठ जा यार बैठ जा अल्लाह नहीं ना पुत्र दिता नहीं ना सेहत दिती अल्लाह नहीं ना करदा उतारिया अलहम्दुलिल्लाह मैं तेरे गिले शिकवे नहीं करदा टिड्डों तेरा शुक्र भी करना जुबानों तेरिया तरीफा भी करना ला इलाहा इल्लल्लाह। लो जी एदा माने वास्ते एक होर जुमा देना पैना इलाहाबाद कित्थे दवां इंशाल्लाह अगले साल। अच्छा ला इलाहा दा खुलासा पता की है सुभान अल्लाह अल्लाह तेरी जात भी पाक फैसला भी पाक शरीयत भी पाक तू आप भी पाक तेरिया बातां भी पाक मैं गिले शिकवे कोई नहीं करता मैं ढिडों ते तिन राज रूज कोई नहीं हैगा मैं राजी राजियां ते तरीफां करना ते ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा बुआ छड़ के जावां ते जावां कित्थे तेरे तो सिवा ते मेरा है ही कोई नहीं मेरा प्यार भी तू मेरी आस भी तू मेरी उम्मीद भी तू मेरी मुहब्बत भी तू ते अल्लाह अकबर एदा की माना है अल्लाह अकबर अल्लाह वड्या अकल नहीं सी मन दी मना के छड़िया साडे उत्ते छत पा के विचों पानी कढ़िया अल्लाह अकबर अल्लाह वड्या अकल नहीं सी मन दी मना के छड़िया गोल जे आंडे विचों चूजा कढ़िया अल्लाह अकबर अल्लाह वड्या अकल नहीं सी मन दी मना के छड़िया जिस दरिया विच फिरौन नूं डबोया सी जिस दरिया विच फिरौन नूं डबोया जुमला पसंद है ना तो तवज्जो जरा अपनी मुहब्बत का इजहार करिया जे कईआं ने उदों दी सुभान अल्लाह डक्की है कि शेख साहब ने रोक देना कोई नहीं इंशाल्लाह कढ़ लिया जे जिस दरिया विच फिरौन नूं डबोया सी उस दरिया विचों मूसा नूं बाहर कढ़िया अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह वड्या अल्लाह अकबर अल्लाह वड्या अकल नहीं सी मन
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਡੇਲੀ? 10,000 ਦਫ਼ਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਨਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਾ ਗਾਲਬਨ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਲਬਨ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਅਮਦਹੀ ਮੇਆ ਤਾਂ ਅਲਫਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1,00,000 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗਾਲਬਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਅਮਦਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ 12,000 ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੂਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਗੀਬਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਪੜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਵੱਲਾ ਹੋ ਲਓ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸਾ ਗੂੰਜ ਜਾਏ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮਹਾਨਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 3,00,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 3,00,000 ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਸਾਨ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਛਾਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣੀ ਵੀ